रहीम वीवर, आज मैं आपके लिए एग फ्राइड राइस बनाने जा रही हूँ, जिसके लिए मैंने ये चावल भिगो कर रख लिए और मैं इसको उबालने के लिए रख रही हूँ। जी, अब पानी उबल गया है, मैं इसमें चावल डालने लगी हूँ। इसमें मैंने नमक ऑयल शामिल किया है। जी, मैं ये चावल मैंने उबालने के लिए रख दिए, जब तक मैं इसकी रेसिपी तैयार कर रही हूँ। ये मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है, तकरीबन मैंने आधी प्याली ऑयल डाला है, जिसमें मैंने 4-5 चम्मच ऑयल के ले लिए हैं। ये मैंने अंडे 4 अदद अंडे लिए हैं, इसमें मैंने काली मिर्च, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा जर्दा रंग डालकर इसको मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है। जी, अब मैं ऑयल में अंडे डालकर इसको फ्राई कर लूँगी। अच्छी तरह फ्राई हो गया है, अब हम इसको निकाल लेंगे। जी, उसी कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है, अब मैं इसमें सारी सब्जियां मिक्स करूंगी। ये मैंने बंद गोभी मिक्स की है, अब मैं शिमला मिर्च शामिल कर रही हूँ। ये गाजर शामिल कर लें, अब इसको हल्का सा फ्राई कर लें। तो थोड़ा सा फ्राई कर लिया है, अब मैं इसमें 2 चम्मच सोया सॉस डालूंगी, 1 चम्मच सिरका, ये 1/6 चम्मच काली मिर्च और ये 1/6 चम्मच नमक का शामिल कर दूंगी। अब इसको थोड़ा सा फ्राई कर लूँ। जी, इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करके इसको पका लें। मैंने मिक्सर को अच्छी तरह फ्राई कर लिया, अब इसमें अंडे भी शामिल करूंगी। जी, अब मैं इसमें चावल शामिल करूंगी। अब चावलों को अच्छी तरह इसमें मिक्स कर लेना। ये चिकन मंचूरियन और एग फ्राइड राइस की रेसिपी हमारी बन चुकी है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। शुक्रिया।